अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ एक नए रेस्टोरेंट पे जो अभी नया नया ओपन हुआ है गीगा मॉल में। इसका नाम पास्ता एक्सप्रेस है। इनके पास अलग अलग टाइप के पास्ताज होते हैं और इनका रेस्टोरेंट का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। इनके पास लंच डील्स चलती हैं 1 से 2 बजे के बीच में दिन में, जिनमें ये पूरे मेन्यू पे 25% ऑफ देते हैं। सो डू अवेल इट। इनका एम्बियंस बहुत अच्छा था, तो बजाय टेक अवे करने के हम डाइन इन करने बैठ के हमने ऑर्डर किया एक चिकन पास्ता और 2 व्हाइट सॉस चिकन पार्मेजान। सब कुछ ही बहुत ज़्यादा टेस्टी था और हमने बहुत इन्जॉय किया। काफ़ी अरसे बाद आज पास्ता खाने को मिला मुझे, इट वॉज टू गुड। वैसे भी मैं स्पाइस लवर हूँ तो मुझे स्पाइसी स्पाइसी चीज़ें पसंद हैं। इनका चिकन पास्ता मेरे स्पाइस लेवल के लिए बहुत सेटिस्फाइंग चीज़ मुझे मिली है। आई रियली लव इट और मैं अक्सर मंगवा के खाती हूँ। मुझे पास्ता इतना पसंद है कि ये इसकी क्वांटिटी आप देख सक रहे कितनी ज़्यादा है, लेकिन मैं इसको पूरा एक ही टाइम में फिनिश कर लेती हूँ। अभी आप देखेंगे ये फिनिश्ड। इसके बाद जी हमने सॉफ्ट स्वर्ल से ब्राउनी मीट स्वर्ल इंजॉय किया, वनीला आइसक्रीम विद हॉट चॉकलेट ब्राउनी और उसके ऊपर नट स्प्रिंकल करवा के। इट्स हेवन आई मस्ट से, डू ट्राई इट आउट अगर अभी तक आप लोगों ने ये ट्राई नहीं किया है तो। घर के लिए निकली मैं, फिर मौसम बहुत ही खुशगवार था आज और आसमान भी बहुत ही क्यूट लग रहा था। आज मैंने एक डिज़र्ट ट्राई किया नई स्टाइल से, है तो कस्टर्ड ही नॉर्मल, लेकिन मैंने उसको कैरमल पहले डाल के फ्रीज करके उसके ऊपर कस्टर्ड डाला फिर उसको फ्रीज किया। ये मैंने YouTube पे शॉर्ट देखा था तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो ये मेरी आप देख सकते हैं कि मैंने कोई 3, 4, 5 अलग अलग चीज़ों में ट्राई की है। एक्चुअली कस्टर्ड तो अच्छा था लेकिन कैरमल ज़्यादा फ्रीज़ हो गया था तो वो बाउल के अंदर ही चिपका रह रहा था ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को पता है कि इस चीज़ को मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ तो ज़रूर मुझे बताइएगा। देखें आप मेरी मेहनत तो देख ही सकते, मैंने 4, 5, 6 दफ़ा ट्राई किया कि किसी तरह से ये अच्छी लुक आ जाए, लेकिन नहीं हो पाया मुझसे। बट एट लास्ट मेरा एक अच्छा आउटपुट निकल ही आया था। वैसे आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को डेजर्ट्स में क्या पसंद है और आपने भी मेरी तरह कोई इंटरनेट से देख के रेसिपीज ट्राई की है या नहीं। मैं तो बहुत ज़्यादा रेसिपीज ट्राई करती हूँ इंटरनेट से देख के और काफ़ी सारी की तो मैं वीडियोज़ भी बनाती रहती हूँ। सो ये मेरा जो लास्ट ऑप्शन था, जो मैंने अपना लास्ट बचा के रखा हुआ था, वो मैंने थोड़ा सा मेल्ट करके निकाला तो वो एक बड़ी प्यारी सी शक्ल में निकला। और जो मैंने वीडियो में देखा था उन्होंने कहा था ये बाउंसी होगा, तो ये स्लोमो करके मैंने आपको दिखाया मार मार के उसको। बहुत टेस्टी था और बहुत ही ईजी है क्या इस क्यूट से डिज़र्ट के लिए। रात में मैं थोड़ी देर के लिए बाहर वॉक के लिए निकल गई, अच्छा मौसम था और गर्मी भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो एक चक्कर लगा के आते हैं। फिर जी मैं सोने लेट गई तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और फजर के टाइम क्या देखते हैं कि बाहर ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है और ये तकरीबन 4, 5, 6 घंटे लगातार नॉन स्टॉप बारिश होती रही। अल्लाह खैर करे। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।